आज इस वीडियो में हम लोग हैश डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। हैश डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस होता है। एच ए डबल एस ई हैश डायग्राम। हैश डायग्राम इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस को ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को हम लोग हैश डायग्राम कहते हैं। और यहाँ पे जब अगर डायग्राम या ग्राफ की बात करेंगे, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वर्टिसेस और एजेस, तो निश्चित तौर पे एनालॉगस होगा जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में या सेट फॉर्म में दो सेट के बारे में पढ़ते हैं। उसमें एक सेट होता है और रिलेशन को डिनोट करने के लिए रूल्स होते हैं या सिंबल होते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से यहाँ लोगस फॉर्म में आएगा। तो जो जिन दो, अब देखिए रिलेशन को अगर सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो पहली चीज़ तो किस सेट पे डिफाइन है, दूसरी चीज़ ये है कि रिलेशन का फाइनल रिजल्ट क्या आया, कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स उस रिलेशन के अंदर हैं। ऑर्डर पेयर मतलब कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट से किस पार्ट से रिलेट है, मतलब फर्स्ट पार्ट एक होता है सेकंड पार्ट होता है, तो फर्स्ट पार्ट में जो एलिमेंट है वो सेकंड पार्ट में जो एलिमेंट है उससे कैसे रिलेट, उससे किस एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो रिलेशन को शो करता है। अगर मान लीजिए आपके रिलेशन में 2-3 है तो 2 इज रिलेटेड टू 3 बाई एनी मीन्स, कोई तरीका होगा कुछ वे होगा जिसके थ्रू वो रिलेट होगा, लेकिन 2-3 से रिलेटेड है। तो जितने भी एलिमेंट्स सेट के अंदर होते हैं वो रिप्लेस होते हैं बाई वर्टिसेस इन द हैश डायग्राम और इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। और जो एजेस होते हैं, दो ही चीज़ होते हैं मुख्य तौर पर, एजेस और वर्टिसेस। तो वर्टिसेस तो समझ में आ गया कि सेट का, सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो वर्टिसेस की जगह लेंगे। और जो ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन के अंदर हैं उसकी जगह कौन लेगा, एजेस, क्योंकि दो ही चीज़ है, वर्टिसेस का तो हो गया काम, एजेस बच रहा है, एजेस कौन लेगा, एजेस की जगह मतलब किसका रिप्लेसमेंट एजेज है, ऑर्डर पेयर जो रिलेशन के अंदर आ रहे हैं वो हमारे रहेंगे एजेस की जगह। तो पार्शियल ऑर्डर के बारे में हम लोग जानते हैं कि पार्शियल ऑर्डर एक रिलेशन होता है और स्पेसिफिक रिलेशन होता है। प्रोसेट का जिक्र होगा जब हैश, जब भी हैश डायग्राम का जिक्र करेंगे तो वहाँ पे प्रोसेट के बारे में ही करते हैं। प्रोसेट के अंदर सेट होता है और उसको रिप्रेजेंट करने, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिसिजन साइन हम लोग यूज़ करते हैं। ये जनरल साइन है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे इसको हम लोग प्रोसेट कहने के नाते, ये चूँकि प्रोसेट है क्योंकि पार्शियल ऑर्डर कहा जाता है, पार्शियल ऑर्डर। तो ये जो पार्शियल ऑर्डर है और ये जो सेट है दोनों मिला के रिलेशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स देंगे, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हो, सो ऑन। तो इस हर एक ऑर्डर पेयर के अंदर दो दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो ये जो दोनों पार्ट होते हैं, ये दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ये दोनों पार्ट तो स्पेसिफिक वर्टिसेस की जगह पर रहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रा किया जाता है जिसको हम एज कहते हैं। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि हैश डायग्राम इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। हैश
डायग्राम इज पिक्टोरियल और ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओसेट। तो सिंस ग्राफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर वर्टिसेस एंड एजेस, तो यहाँ पे एक चीज और भी है, वर्टिसेस एंड एजेस होते हैं। वर्टिसेस और एजेस के अंदर एक वर्टिसेस जो होते हैं वो हायरार्की ऑर्डर में रहेंगे, मतलब नीचे ऊपर ऐसे करके रहते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं। तो यहाँ के वर्टिसेस और एजेस, वर्टिसेस ये जो होते हैं ये बिलोंग्स टू सेट एक्स, ये चीज़ जानिए, और एजेस जो हैं वो बिलोंग्स टू रिलेशन के अंदर कर रहा है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी रहेंगी कि एजेस रिलेशन के एलिमेंट्स से रिलेटेड होते हैं और वर्टिसेस जो होता है एक्स से रिलेटेड होता है। बाकी किस एलिमेंट का किस एलिमेंट से रिलेशन है वो इनबिल्ट रहेगा इसके थ्रू, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर दो एलिमेंट के अंदर रिलेशन होगा। तो ये तो हायर डायग्राम के बारे में हो गया। अब इसका एक एग्जांपल हम बताते हैं आपको। तो अभी आप एक नोट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें और आपको बता दे रहे हैं कि अगर हम लोग टोटल ऑर्डर या टोटल ऑर्डर रिलेशन की बात करें, टोटल ऑर्डर या इसका दूसरा नाम है लीनियरली ऑर्डर, इस रिलेशन की अगर हम बात करें, टोटल ऑर्डर ऑर्डर और लीनियरली ऑर्डर, तो इसके अंदर क्या है कि हमको जो हैश डायग्राम मिलता है, हैश डायग्राम वो एक वर्टिकल चेन होता है, इज ए वर्टिकल चेन, वर्टिकल चेन होगा ये, मतलब जो लाइन जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का होगा, वर्टिकल चेन, एक वर्टिकल लाइन होगी, हर एक लेवल पे एक ही एलिमेंट रहेगा, एक लेवल ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर एक लेवल पे एक ही एलिमेंट रहेगा। और इन ऑल अदर केसेस, तो इन दिस केस में टोटली ऑर्डर्ड या लीनियरली ऑर्डर्ड, इन दिस केस वी विल गेट हैश डायग्राम एज ए वर्टिकल चेन, इन ऑल अदर केसेस वी विल नेवर गेट दिस चेन। उसमें आपको एक एक लेवल पे एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलेंगे, जैसे इस तरह का मिल सकता है, इस तरह का या मिल सकता है, या कुछ इस तरह का हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं, और ये भी इसी से रिलेटेड होगा, तो इस की चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन एक लेवल पे एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये जो चीज़ें हैं ये लाइन नहीं रहेगा बीच में, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एक लेवल पे देखिए यहाँ तीन तीन एलिमेंट हैं, यहाँ दो एलिमेंट हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट, तो वर्टिकल चेन अगर रहेगा तो सिंपल आपका इस तरह का रहेगा,
और अगर वर्टिकल चेन नहीं रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, एक लेवल पे एक से ज़्यादा एलिमेंट। ये बात एक ध्यान रखिएगा, टोटली ऑर्डर जो रिलेशन होंगे उसके अंदर, उसमें उस केस में एक वर्टिकल चेन मिलता है एज ए हैश डायग्राम। और एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, लेट यक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन डिविजिबिलिटी साइन इज ए, देन डिविजिबिलिटी साइन इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन यक्स रिलेशन ऑन यक्स और इसका हमें हैश डायग्राम बनाना है। ड्रा हैश डायग्राम फॉर दिस, ड्रा हैश डायग्राम, इसके लिए हमें हैश डायग्राम ड्रा करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अगर इसे हटा दें तो समझ लीजिए हमें क्या, किसका हैश डायग्राम बनाना है, इस पोसेट का हैश डायग्राम बनाना है। दिस इज ए पोसेट एंड वी हैव टू ड्रा हैश डायग्राम दिस पर्टिकुलर पोसेट। इस पोसेट के लिए हमें हैश डायग्राम बनाना है। तो हैश डायग्राम बनेगा कैसे, सबसे पहले देखिए कि हमें ये पता करना है कि कौन किसको डिवाइड कर सकता है। वन तो सबको डिवाइड कर देगा, तो इस नाते उसके अंदर वो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6 सबसे रिलेशन रहेगा। लेकिन 2 अगर R की बात करें यहाँ पे, तो 1, 2, 1, 1 भी आ जाएगा। तो खैर वो सब चीज़ें हम बाद में बताएंगे, 1, 2, 1, 3 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 1, 4, 1, 5, 1, 6 2, 4, 2, 6, 3 केवल 6 को डिवाइड करेगा। और अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, जैसे 1, 1 था तो उसी तरीके से 2, 2 भी हो जाएगा, 3, 3 भी हो जाएगा, 4, 4 भी हो जाएगा, 5, 5 भी हो जाएगा, 6, 6 भी हो जाएगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव एंटीसीमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंटीसीमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करने रहते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी हमें होल्ड कराने रहते हैं अगर हमारा रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है। ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करना कंपल्सरी है। रिफ्लेक्सिव के नाते ही देखिए, 1, 1 भी आया, 2, 2 भी आया, 3, 3 भी आया, 4, 4 भी आया, 5, 5 भी आया, 6, 6 भी आया। एंटीसीमेट्रिक देखिए, 1, 2 है तो 2, 1 नहीं कहीं दिख रहा है। अगर 1, 2 के साथ 2, 1 भी आए तो 1, 2 इक्वल होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं होते। 1, 3 है तो 3, 1 नहीं है, 1, 4 है 4, 1 नहीं, 1, 5 है तो 5, 1 नहीं, 1, 6 है तो 6, 1 नहीं है। इसी तरीके से 2, 4 है तो 4, 2 नहीं है, 2, 6 है तो 6, 2 कहीं नज़र नहीं आ रहा, 3, 6 है तो 6, 3 कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो एंटीसीमेट्रिक भी प्रूफ हुआ। ट्रांजिटिव की बात करें, जैसे देखिए 1, 1 को डिवाइड कर रहा है तो उसमें तो कुछ बनेगा नहीं, 1, 2 जब तक डिफरेंट डोंट ना हो तो चेन बन नहीं पाएगा। 1, 2 को डिवाइड कर रहा है, अब 2 देखिए कहाँ फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे है, 2 कहाँ पे फर्स्ट पार्ट है वो देखना है। क्योंकि आप ऐसे ही करते हो, ए बी बी सी, ये बी यहाँ पे देखिए है और फिर रिजल्ट आता है इसका ए सी, ये वाला ए आ जाता है
और ये वाला सी आ जाता है। लेकिन ये देखिए लिंकिंग है, बी का बी बी होना चाहिए, सेकंड पार्ट इसका अगले वाले में होना चाहिए। तो वन टू है तो टू वन टू, केवल देखना है टू यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आउटकम होना चाहिए, वन फोर देखिए है तो ये पास हो गया, वन टू है तो टू सिक्स भी है तो वन सिक्स होना चाहिए, वो भी है हमारे पास, यहाँ पे काम हो गया। टू यहाँ पे भी है, वन तो वन टू बनेगा, वन टू ही बनेगा क्योंकि पहले से ऑलरेडी है। वन थ्री है यहाँ पे, तो थ्री देखिए कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और कहीं नहीं। तो वन सिक्स होना चाहिए, पहले से ही देख रहे हैं, वन थ्री ही आएगा, वन थ्री पहले से ही है। वन फोर है, फोर कहीं पे है, यहाँ पे है, तो फोर उसका आउटकम वन फोर ही आएगा, फर्स्ट पार्ट इसका सेकंड पार्ट इसका, वो पहले से ही है, उसी को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। वन फाइव, फाइव कहीं फर्स्ट पार्ट में है, सिर्फ यहाँ है, तो इसका भी वन फाइव ही आएगा जो कि पहले से है। सिक्स, वन सिक्स, सिक्स यहाँ पे सिर्फ है, वन सिक्स ही आएगा, फर्स्ट पार्ट इसका सेकंड पार्ट इसका जो कि पहले से है। तो ट्रांजिटिव भी है, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। तो मतलब ये कोसेट है, इसमें कहीं पर कोई संदेह नहीं है। और इसका जब हैश डायग्राम बनाएंगे तो देखिए जितने भी रिफ्लेक्सिव को शो करने वाले हैं, क्योंकि ये बात ध्यान देनी है कि आपका ये पोसेट के लिए हैश डायग्राम बना रहे हैं, पोसेट पहले से पता है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव से किसे को शो करने वाले जो एजेज हैं वो नहीं बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे इसके अंदर, समझ लिए जाएंगे। तो इस नाते पहले वन आप बनाया, आपने वन वर्टिसेस, जितने भी वर्टिसेस इसके अंदर हैं सब अपनी अपनी जगह लेंगे तो सिक्स वर्टिसेस बनेंगे। वन आ गया, वन का वन के साथ है तो वो नहीं बनेगा, तो यानी कि ये कंफर्म हो गया कि एक ये नहीं बनेगा, एक ये नहीं बनेगा, वन वन टू टू नहीं बनेगा, थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स, इसके लिए एजेज नहीं बनाने की जरूरत, क्योंकि ये पोसेट के लिए हैश डायग्राम है। पोसेट पहले से पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो हम लोग ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसे एजेज को नहीं बनाएंगे जो ऑलरेडी पता है कि वो तो है ही। तो वन वन टू टू थ्री थ्री ये सब नहीं बनेगा, वन टू बनेगा, वन टू तो टू यहाँ पे लिख देंगे, वन से टू के बीच में। अब जो लोअर लेवल पे है वो समझ लीजिए फर्स्ट पार्ट है, और जो हायर लेवल पे है वो सेकंड पार्ट, यानी वन इज रिलेटेड टू टू, वी कांट इंटरप्रेट टू इज रिलेटेड टू वन, इट्स मीनिंग इज दैट वन इज रिलेटेड टू बिकॉज इट इज एट लोअर लेवल, इट इज एट हायर लेवल, तो ये हायरकी की बात है। वन थ्री भी रिलेटेड है तो थ्री लिख दिया, वन फोर भी है तो फोर लिख दिया यहाँ पे, वन फाइव और वन सिक्स, अभी इसमें और भी चीज़ें आएंगी तो मैं समझाऊंगा। तो वन सिक्स, अभी देखिए क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं और क्या क्या ध्यान में रखना रहता है। तो सिक्स बनाएंगे हम यहाँ, लेकिन अभी आपको प्रॉब्लम ये आएगा कि कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रा सकते। तो यहाँ तक तो आपका काम बन गया, वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स बना लीजिए, एक प्रॉब्लम यहाँ शुरू होगा टू फोर से, टू फोर से हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ये बात समझने की चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपने सारे एजेस बना दिए वन का जिससे जिससे रिलेशन था, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रा करेंगे, कोई दो एजेस जब ड्रा करेंगे तो एक पार्ट आपका ए है दूसरा बी है, तो दोनों डिफरेंट लेवल पे होंगे। तो एक लेवल पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो दोनों एक ही लेवल पे आ जाएंगे। उसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ये जो फोर और सिक्स है इसको हम अपर लेवल पे थोड़ा सा लेके जाएंगे, यहाँ पे कर दे रहे हैं। और थोड़ा सा डायग्राम बनाते वक्त
ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि देखिए फोर, अब फोर अगर इधर बनाएंगे तो प्रॉब्लम थोड़ा सा करेगा, फोर हम यहाँ बना देंगे। तो इससे फायदा क्या हुआ कि टू का रिलेशन फोर से था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अगर आप यहाँ फोर लिखते तो ऐसे बनाते, हॉरिजॉन्टल बन जाता, गलत हो जाता। तो ये चीज़, ये इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम लोग डिफरेंट लेवल पे बनाते हैं। अच्छा, ये आया क्यों? ये इसलिए आया क्योंकि ये ट्रांजिटिव शो हो रहा है वन। अब इसका मतलब भी है वन का टू से रिलेशन है, टू का फोर से है, और डिफरेंट एजेस से ये लिंक्ड हैं, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली वन का फोर से रिलेशन है। ये एक चीज़ आ जाती है। इसी नाते हम ट्रांजिटिव के लिए अलग से एज नहीं बनाते हैं कि वन फोर बना दें, वन फोर इसीलिए नहीं बनेगा, वन फोर जो है इसीलिए नहीं बनाया जाएगा। वन का टू से है, टू का फोर से है, वो ट्रांजिटिव वाली बात थी वन, इसीलिए वन फोर एजेज नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रांजिटिव से हो रहा है, तो ट्रांजिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात ध्यान में रखना है कि आप जब बनाएंगे तो पहले रफ बगल बनाइए, फिर उसमें क्योंकि सुधार करना रहेगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि वन यहाँ केवल टू थ्री बनाए, जबकि वन का रिलेशन फोर से भी है, फाइव से भी है, सिक्स से भी है। फाइव तो खैर बनेगा ही यहाँ पे, क्योंकि फाइव जो है वो और किसी नंबर को नहीं डिवाइड है। अब इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि ये ध्यान में रखना है, थोड़ा मैं और सिस्टमेटिकली बता रहा हूँ कि वन का टू से है, टू वन का थ्री से है, वन का फाइव से है। देखिए ध्यान से देखिए इसको, वन का फोर से है, यहीं पर बता दे रहे हैं, वन का टू से है, वन का थ्री से है, वन का फोर से है, वन का फाइव से है, वन का सिक्स से है। तो वन से अब एबव लेवल पे पहले कौन ड्रा होगा? केवल वही ड्रा होंगे जिनका सेकंड पार्ट किसी और को डिवाइड नहीं कर रहा है, जैसे टू, वन टू, ठीक है, केवल उसी को बनाएंगे जो किसी और को डिवाइड कर रहे हों, केवल उसी को बनाएंगे। तो ये ध्यान देना, और जो किसी और को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अब जैसे ये है वन का टू, वन टू को डिवाइड कर रहा है, वन थ्री को डिवाइड कर रहा है, वन फाइव को डिवाइड, फोर क्यों अबव लेवल पे गया? ये और किसी से भी डिवाइड हो रहा है, फोर फोर किसी और से भी डिवाइड, लेकिन टू किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा, थ्री किसी और से नहीं डिवाइड हो रहा, फाइव किसी और से डिवाइड नहीं, जो किसी और से ना डिवाइड हो उसी को सबसे पहले हम इस वन से हायर लेवल बनाएंगे, जो किसी और से डिवाइड ना हो, या आप कह सकते जनरल भाषा में जो किसी और से रिलेट ना हो। तो ओनली वी विल ड्रा अबव लेवल टू वन विच आर नॉट रिलेटेड टू अदर एलिमेंट। अब यहाँ पे वन का फोर से था, वन का टू से, थ्री से, फोर से, फाइव से, सिक्स से, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब आप देखिए वन का रिलेशन सबके साथ है, इन सबके साथ, लेकिन टू इज आल्सो रिलेटेड टू अनदर एलिमेंट, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया, फोर इज रिलेटेड टू अनदर एलिमेंट, फोर इज आल्सो रिलेटेड टू अनदर एलिमेंट, एंड फोर इज जो फोर है वो किसी ऐसे ऐसा ऑर्डर पेयर और बना रहा है जिसका मतलब किसी और का भी सेकेंड पार्ट है। तो जो 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 एलिमेंट किसी और के भी सेकेंड पार्ट है वो इमीडिएट लेवल पे, इमीडिएट एबल लेवल, एबव लेवल पे नहीं बनाएंगे, फोर को नहीं बनाएंगे, सिक्स को नहीं बनाएंगे, ये दो नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि फोर टू से भी डिवाइड हो रहा है, सिक्स टू और थ्री दोनों से डिवाइड हो रहा है, इस नाते इमीडिएट एबव लेवल पे नहीं बनाएंगे। लेकिन टू थ्री फाइव जो हैं ये प्राइम नंबर हैं, ये केवल वन से ही डिवाइड होंगे, ये तो कन्फर्म है कि इनको और कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा। इनको जब और कोई नहीं डिवाइड कर पाएगा तो जस्ट एबव लेवल या इमीडिएट एबव लेवल पे हम इसको बना देंगे। तो सिक्स आप अब थोड़ा देखना रहेगा ध्यान से कि कहाँ पे लिखें, इससे बहुत पजल्ड डायग्राम ना बने, बहुत जो है कॉम्प्लेक्स ना बने, सिंपल बने। तो सिक्स देखिए अगर यहाँ लिखेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि इसको हम दोनों से लिंक कर सकते हैं, कि सिक्स थ्री से भी डिवाइड हो रहा है और टू से भी डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी जगह बनाएं बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम ना बने। फिर
अब देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया, अब एक बचा 7 पे, 7 है ही नहीं इसमें, 1 2 3 4 5 6 सब के सब आ गए। अब बाकी आप देख सकते हैं कि कोई और एलिमेंट छूट तो नहीं रहा, लेकिन कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें हमें यही देखना रहता है कि सबसे पहले ऐसे एलिमेंट को नीचे बनाते हैं लोएस्ट लेवल पे, जो किसी और से रिलेटेड, जो मतलब किसी का सेकंड पार्ट ना हो, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड पार्ट ना हो, वही एलिमेंट सबसे पहले लेवल पे बनता है। तो वन ही एक है जो केवल फर्स्ट पार्ट की तरह अपीयर हो रहा है, बन गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, वन तुरंत बना दिए, क्योंकि जहाँ भी है ये एज ए फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट नहीं। अब अगले लेवल की बात करेंगे तो केवल उन्हीं को यहाँ पे बनाइए जो केवल वन से वन ऐसे ऑर्डर पेयर में हों, ऐसे ऑर्डर पेयर के सेकंड पार्ट हों जिसमें फर्स्ट पार्ट वन हो। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट करिए जिसमें फर्स्ट पार्ट वन हो और सेकंड पार्ट ये सब हो, लेकिन कहीं और पे एज ए फर्स्ट पार्ट अपीयर ना हो। ये सब देखिए 2 3 5 ये कहीं पे आपके सेकंड पार्ट और कहीं नहीं है, केवल 1 2 1 3 1 5 है। 1 2 में केवल सेकंड पार्ट है, 1 3 में है, 1 5 में है, लेकिन 4 6 जो है वो और भी जगहों पे एज ए सेकंड पार्ट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, फिर और यहाँ पे आया, 6 देखिए यहाँ पे एज ए सेकंड पार्ट आया और यहाँ पे भी आया, तो और यहाँ पे आया। खैर वो तो रिफ्लेक्सिव का है, उसकी बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव को छोड़ कर हम बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव को छोड़ कर बात कर रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव पार्ट को छोड़ कर, किसी भी जितनी भी बात बोले रिफ्लेक्सिव पार्ट को छोड़ कर, नहीं तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव में 1 1 तो 1 1 में भी सेकंड पार्ट 1 है, तो उस हिसाब से 1 यहाँ पे भी नहीं बनेगा, लेकिन नहीं, रिफ्लेक्सिव पार्ट को छोड़कर, ये बात ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव पार्ट को छोड़कर हम देखेंगे कि सबसे पहले कि वो कौन सा एलिमेंट है जो केवल एज ए फर्स्ट पार्ट अपीयर हुआ है, तो दैट इज 1। रिफ्लेक्सिव पार्ट तो ये है, यहाँ पे भी तो सेकंड पार्ट, सेकंड रिफ्लेक्सिव एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर है, और यहाँ पे भी एज ए सेकंड पार्ट 1 अपीयर हुआ, लेकिन इसको छोड़कर, रिफ्लेक्सिव वाले को छोड़कर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इनको इग्नोर करके आप फिर देखिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऐसे, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें केवल 1 ही है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें कई एलिमेंट हो सकते हैं जो एज ए फर्स्ट पार्ट सिर्फ अपीयर हुए हो, ठीक है, सेकंड पार्ट नहीं अपीयर हुए हों। रिफ्लेक्सिव पार्ट को छोड़कर ही हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम उन एलिमेंट को ऑब्जर्व करेंगे ऑर्डर पेयर में, उन एलिमेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि जिन जो 1 के साथ में 1 फर्स्ट पार्ट हो और वे और एलिमेंट्स जो हैं वो एज ए सेकंड पार्ट हो, लेकिन वो कहीं पे भी किसी भी और भी ऑर्डर पेयर में एज ए सेकंड पार्ट ना आए हो। अब 4 6 यहाँ पे इसी नाते नहीं बना कि 4 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी सेकंड पार्ट है और यहाँ पे भी, उसके बाद बाकी आप करते चले जाएँ, इसे हर स्टेप में आपको देखना रहेगा। तो हैश डायग्राम जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये बात हमें ध्यान रखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इस चीज़ का, कोसेट का, और कोसेट जो हमारा होता है वो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, इन 3 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे ऑर्डर पेयर्स जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हैं या ट्रांसिटिव का आउटकम है, ठीक है, कि जैसे 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 उसका हो गया, 1 4 के लिए डायरेक्ट एज इसमें नहीं दिखेगा, जैसे 1 4 का नहीं दिखा, फिर ऐसे देखिए 1 3 है, 1 6 है, लेकिन 1 6 नहीं दिखा है, क्योंकि ट्रांसिटिव को, ट्रांसिटिव का आउटकम है, ट्रांसिटिव का
एक तरीके से सिम्टम है, तो वो चीज़ हम नहीं शो करेंगे, क्योंकि कोसेट हैश जो हैश डाइग्राम कोसेट के लिए होता है, कोसेट वेल नोन है कि वो ट्रांसक्रिप्ट प्रॉपर्टी में जो केवल मैंडेटरी एजेस होते हैं, जो नाइदर ट्रांसक्रिप्ट को होल्ड कराने के लिए है नाइदर नॉर रिफ्लेक्सिव को होल्ड कराने की, वही केवल हम इसके अंदर बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और इसको वीडियो आप एक दो बार देख लीजिए जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।